अगर मनीष कश्यप से बोलेंगे जो तू हमसे शादी करो, शादी कर लेगी? जी नहीं, गाना के माध्यम से गाई। अच्छा, कल कैसे बोल दी कि हम शादी कर लेंगे? अरे कल ले, अब हमसे पूछिए ना, कल ले कैसे गा दे, आप लोग डायरेक्टे जाइएगा। कल ले डायरेक्टर है तो कल ले करो। ये बात नहीं, अब माइक लेके जाइएगा, पूछिएगा ऐसे नहीं, ऐसे लड़की जानते हैं, लड़की है, थोड़ा सा घबरा गई तो बोल दी। देखिए, इसका गाने का मेन मकसद यही था कि हम गायकी के माध्यम से गा रहे हैं। अब लाखों लोग मोहब्बत कर रहा है मनीष भैया से, तो सबसे तो शादी करेंगे नहीं, यही बात है ना। भी जब गाने आई थी तो यही हम जो आप कह रहे हैं ना, तो बात हम भी पूछे थे इससे कि माई गा रही है तो बोली कि नहीं भैया, लाखों लोग चाहते हैं तो सबसे शादी थोड़े करेंगे, यही बात है ना जी, कि हम गाने के माध्यम से गाए हुए हैं, यही बात। कोई और मकसद नहीं है ना? दूसरा कोई मकसद नहीं है आपका? कोई मकसद और नहीं ना मनीष कश्यप से? जी नहीं। सबसे पहले है कि मतलब कि जो भी बोली है। अच्छा, तो एक और बात बता दीजिए, अगर मनीष कश्यप आपके सामने आ जाए तो फिर आप क्या कहेंगे मनीष कश्यप को? अब पूछिए कि बच्चा के सामने भगवान आ जाए तो क्या कीजिए, क्या करेंगे? मिलेंगे उनसे, बताएंगे। बताइए आपको क्यों इसमें बीच में अड़ रहा है, पहले इनसे सवाल कर रहे हैं, इनको बताने दीजिए। तो ये बच्ची अब इसको इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, पूछ रहे हैं, गाना गा रही है बच्ची नहीं, अगर एक सवाल कर दिए तो बच्ची थोड़ी हो गई। अगर सामने आ जाते हैं तो क्या बोलिएगा? अगर बच्चे के सामने भगवान आ जाए तो कोई क्या करेगा, और देख के खुशी ना होगा? दूसरा क्या, वही बात। अगर आपसे बोले कि तू मेरे ऊपर ऐसा गाना गा दी है, मेरा बदनामी हो गया है, बताओ फिर आप क्या कीजिएगा? सॉरी बोलेंगे उनसे। देखिए सुनिए, कहने का अर्थ है कि लड़की का मकसद यही है कि उनको दिल में ठेस नहीं पहुंचाना, ये गाने के माध्यम से गाई है, और उसके लिए अभी सॉरी बोल कि सॉरी बोलेंगे। चलिए मनीष कश्यप जी, आपके लिए गाना गाई है, अगर आपको बुरा लगता है तो माफ कीजिए, क्योंकि ये एक्चुअली आज फाइनली बोल दिया कि हम गाना के माध्यम से गाए हैं, अगर जो गलती है उसके लिए